बात करते हैं जबलपुर की, जहां बिजली के खंभे को एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति मानते हुए घर के भीतर कर लिया था। मामला इंदिरानगर का है, जहां रामपाल नाम के व्यक्ति ने शासन प्रशासन और बिजली विभाग के तमाम नियम कानून को दरकिनार करते हुए बिजली के खंभे को अपने मकान के अंदर कर लिया है। पड़ोसियों ने बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी पर कार्यवाही नहीं हुई। अब कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि बिजली विभाग शिकायत को गंभीरता से लेगा। इंदिरानगर निवासी ज्ञानेंद्र वर्मा ने कलेक्टर को की गई शिकायत में बताया कि रामपाल ने हाल ही में अपना मकान बनवाया है, जहां शासकीय बिजली के खंभे को अपने घर के भीतर कर लिया है। ज्ञानेंद्र का कहना है कि रामपाल की आटा चक्की है और उसके लिए वह इसी बिजली के खंभे से चोरी करता है। ज्ञानेंद्र ने बताया कि शासकीय संपत्ति को घर के भीतर कर लेने से शिकायत उन्होंने बिजली विभाग से भी की, पर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाद में जब कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को बताया गया तो उन्होंने बिजली विभाग को निर्देशित करने की बात कही है। इधर शिकायत की भनक जब रामराज को लगी तो उसे अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये रामराज पाल है, विनय किराना स्टोर के पास इंदिरानगर में रहते हैं, वार्ड नंबर 78 में व्हीकल फैक्ट्री के पास में। इन्होंने बिजली खंभे को अपने घर के अंदर किया हुआ है, शासकीय संपत्ति को निजी संपत्ति बनाया हुआ है। और इनकी जब मैंने कंप्लेंट की थी, कलेक्टर साहब को जानकारी दी थी, तो उसके बाद से ये मेरे जान के दुश्मन बन गए हैं। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।